हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं वाक्य पढ़ाऊंगी और तत्पश्चात वाक्य के भेद, वाक्य के भेदों के आधार कौन कौन से हैं और उनके आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले वाक्य का स्वरूप क्या है। व्याकरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वाक्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी संरचना है। वाक्य में विभिन्न स्तरों पर छोटी बड़ी अनेक संरचनाएं होती हैं, किंतु वाक्य का अपने आप में एक स्वतंत्र भाषाई रूप होता है। वाक्य का पृथक्करण किया जा सकता है। अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए अथवा किसी से वार्तालाप के लिए वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है तथा प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ होता है, परंतु वाक्य में आए हुए सभी घटक मिलकर एक पूरा विचार व्यक्त करते हैं। वाक्य लघु हो अथवा दीर्घ, किंतु वह वाक्य अपने विचार या भाव को पूरी तरह व्यक्त करने में सक्षम होता है। अब हम वाक्य की परिभाषा जानेंगे। वाक्य की परिभाषा है कि विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा उसका कोई अर्थ निकले, उसे वाक्य कहते हैं, वह वाक्य कहलाता है। अब उसका क्रम में वाक्य हमेशा व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, यदि हम आपसे कहते हैं कि वह है खाना खाता, तो ये व्यवस्थित क्रम नहीं है। पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, ये व्यवस्था हिंदी की है कि पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। इस हिसाब से यदि हम लिखते हैं तो वह व्यवस्थित क्रम होगा। तो शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा की लघुतम इकाई जो किसी भाव अथवा विचार को पूरी तरह से व्यक्त करे, वह वाक्य कहलाती है। जैसे आप देखिए कि श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, ये वाक्य एक पूर्ण अर्थ देने वाला वाक्य है। इसमें सर्वप्रथम आपके कर्ता है श्री कृष्ण ने धर्म की, उसके बाद स्थापना की क्रिया है। अब आपको ये बता दें कि वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। ये शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं वे पद बन जाते हैं। तो वाक्यों की रचना हम शब्द जो पद बन जाते हैं उन्हीं से करते हैं। वाक्य अपने आप में एक पूर्ण अर्थ देने वाला होता है और स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को अवश्य प्रकट करता है। वाक्य के गुण क्या है, ये हम जानते हैं। वाक्य का निर्माण करने में के लिए में निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। वाक्य के एक अच्छे वाक्य का गुण ये है कि उसमें कुछ विशेषताएं होना जरूरी है। जैसे सबसे पहली विशेषता है सार्थकता। वाक्य रचना में प्रयुक्त जो सभी पद हैं वे सार्थक होने चाहिए। वाक्य रचना में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वे सारे सार्थक होने चाहिए, और उनके यदि वाक्य का कोई अंश निरर्थक हो तो उससे अर्थ में बाधा आती है। यदि कोई भी शब्द, कोई भी अंश निरर्थक हो तो उसके अर्थ में बाधा आती है, किंतु अपवाद स्वरूप कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में किया जाता है। वाक्य अर्थवान हो
और वह सार्थक शब्दों का समूह हो, ये वाक्य की सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है योग्यता। योग्यता का अर्थ है क्षमता। योग्यता का अर्थ है यहाँ क्षमता। वाक्य में शब्द सार्थक होने चाहिए और उसमें प्रसंग के अनुकूल अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए। वाक्य में सार्थक समूह होने चाहिए, सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए और उसमें अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए और वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की आपस में एक संगति होनी चाहिए। वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनकी आपस में एक संगति होनी चाहिए, माने आपस में मिले जुले हों, कोई किसी से पृथक ना लगे। तीसरी विशेषता है आसक्ति अथवा निकटता। आसक्ति या निकटता, आसक्ति या निकटता का अर्थ है वाक्य में शब्दों का एक ही समय में प्रयोग होना। वाक्य में शब्दों का एक ही समय में प्रयोग होना, एक वाक्य के शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होना आवश्यक है। रुक रुक कर बोलने से शब्द के अर्थ में बाधा आती है। यदि रुक रुक कर बोला जाए तो शब्द के अर्थ में बाधा आती है, तो उसमें बोलने में निकटता होनी चाहिए। उनके प्रयोग में निरंतरता भी होनी चाहिए। यदि कुछ ठहराव दिखाना आवश्यक हो तो विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। लिखित रूप में भी शब्दों में समीपता आवश्यक है। और चौथा है पदक्रम। पदक्रम वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित पदक्रम होना आवश्यक है। उचित पदक्रम में प्रयुक्त होना आवश्यक है। पदक्रम के नियमों का उल्लंघन करने पर वांछित अर्थ प्राप्त नहीं होंगे, इसीलिए पदक्रम वांछित पाने के लिए हमें शब्दों का पदक्रम उचित होना हमें उचित माने उचित होना चाहिए। पदक्रम यदि उचित नहीं हुआ तो शब्द का अर्थ या वाक्य का अर्थ सही सही प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। अब जैसे कह रहे हैं कि संबंध में कर्ता, कर्म और क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष और कारक के मेल में मेल होना आवश्यक है। इसके अभाव में भी अर्थ में रुकावट आती है। यदि अन्वय सही नहीं हुआ तो भी अर्थ में रुकावट आती है। अगला है वाक्य के घटक। अगली विशेषता है वाक्य के घटक। जिन अव्ययों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। अब संरचना की दृष्टि से वाक्य में प्रधान रूप से दो घटक होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य के दो घटक होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, पहला उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे वाक्य उद्देश्य कहते हैं और दूसरा विधेय। अब वाक्य के घटकों के बारे में जानते हैं, पहला उद्देश्य दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार जैसे विशेषण है, संबंध बोधक और आदि शब्द आ जाते हैं। दूसरा है विधेय। विधेय में उद्देश्य के विषय में यदि कुछ कहा जाए तो वह हो जाएगा विधेय। इसके अंतर्गत क्रिया और क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार आदि आ जाता है। अब जैसे देखिए, अब सुमन अध्यापिका है, यहाँ पे सुमन जो है वह उद्देश्य है। सुमन उद्देश्य है और अध्यापिका है विधेय है। इसी प्रकार आप देखिए दूसरा वाक्य, मजदूरों ने उद्देश्य है
और लकड़ियां काट दी, ये विधेय है। इसी तरह से अन्य वाक्य भी है, जैसे बालक कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो इसमें बालक शब्द जो है उद्देश्य हो जाएगा और पढ़ कक्षा में पढ़ रहे हैं यह हो जाएगा विधेय। तो इस प्रकार जिन वाक्य जिनके बारे में कहा जाए कर्ता जो होगा वह उद्देश्य होता है, या और कर्ता का जो विस्तार है वह उद्देश्य के अंतर्गत आता है और बाकी सब विधेय के अंतर्गत आता है। जैसे छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के सिनेमा देखने जा रहे हैं, यहाँ पे छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के, इतना होगा उद्देश्य, ठीक है। छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के ये उद्देश्य हो जाएगा और सिनेमा देखने जा रहे हैं ये विधेय हो जाएगा। फिर दशरथ पुत्र राम ने रावण को तीर से मारा, दशरथ पुत्र राम ने रावण को तीर से मारा, तो दशरथ पुत्र राम ने ये हो जाएगा उद्देश्य और रावण को तीर से मारा ये हो जाएगा विधेय। फिर विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, विद्यालय के बच्चे ये उद्देश्य हो जाएगा और मैदान में खेल रहे हैं ये विधेय हो जाएगा। नौकर खाना बना रहा है, नौकर खाना बना रहा है, इसमें नौकर जो है वह उद्देश्य है और खाना बना रहा है ये विधेय है। सीता किताब पढ़ रही है, सीता किताब पढ़ रही है में सीता जो है वह उद्देश्य है और किताब पढ़ रही है वह विधेय है। ऐसे ही रेखा ने कुसुम को अपनी साथी चुना, रेखा ने कुसुम को अपनी साथी चुना, तो अब यहाँ रेखा ने जो है वह हो जाएगा उद्देश्य, कुसुम को अपनी साथी चुना ये हो जाएगा विधेय। इस प्रकार से सीता, एक और वाक्य है सीता किताब पढ़ रही है, सीता किताब पढ़ रही है में सीता जो है वह उद्देश्य है और किताब पढ़ रही है विधेय है। अतः यह स्पष्ट हो गया होगा कि वाक्य में कोई भी शब्द किसी भी रूप में न आकर व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं और साथ ही प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित क्रम होता है, कर्ता कर्म क्रिया तथा पूरक का अपना अपना स्थान होता है तथा इन शब्दों के मध्य अन्विति भी होती है। ये लिंग वचन और पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार अपना स्वरूप निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार आपने ये जाना कि वाक्य के मुख्य दो घटक हैं उद्देश्य और विधेय। इसके पश्चात अब हम जानेंगे कि वाक्य के भेद कौन कौन से हैं और वाक्य के भेदों के आधार कौन कौन से हैं। अब हम आगे वाक्य के भेदों के बारे में जानेंगे। अब हम वाक्य के भेदों के आधार के बारे में जानते हैं। वाक्य के भेद जो है दो आधारों पे किए जाते हैं, वाक्य के भेद के दो आधार हैं। सबसे पहला आधार है अर्थ के आधार पर, वाक्य के भेद के दो आधार हैं। सबसे पहला भेद है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो हम आज अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। अर्थ के आधार पर कुल वाक्य के आठ भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद हैं। सबसे पहला भेद है ये विधानवाचक, सबसे पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद हैं, सबसे पहला भेद है विधानवाचक, दूसरा भेद है निषेधवाचक, तीसरा भेद है प्रश्नवाचक, चौथा भेद है इच्छावाचक, पांचवा भेद है संदेहवाचक, सातवां भेद है संकेतवाचक, आठवां भेद है आज्ञार्थक और सातवां भेद है आज्ञार्थक और आठवां भेद है विस्मयादि बोधक। तो कुल मिलाकर के आठ भेद हुए वाक्य के। वाक्य पहला है विधानवाचक, इसे सकारात्मक या कथनात्मक भी बोलते हैं। दूसरा है
निषेधात्मक, निषेधात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी बोला जाता है। तीसरा वेद है आज्ञार्थक, जिसमें या ये भी इसमें जो है आज्ञा के अर्थ का वाक्य दिया जाता है। चौथा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछने का भाव होता है। छठा है इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य, उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य, फिर विस्मयादि बोधक वाक्य। इस तरह से वाक्य के कुल आठ भेद होते हैं। इन आठों भेदों में सबसे पहला भेद जो है बिंधानवाचक या संकेतवाचक या विधानवाचक या सकारात्मक, सकारात्मक को विधानवाचक भी बोलते हैं, इसको कथनात्मक वाक्य भी बोला जाता है। कथनात्मक वाक्य जिसमें कोई कथन हो। अब हम पहला वाक्य पढ़ेंगे कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य में सामान्य रूप से कोई कथन अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अथवा उसकी अवस्था का बोध होता है। कथनात्मक वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अथवा उसकी अवस्था का बोध होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे पहला वाक्य, ये सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है, इसमें भी किसी कथन का बोध हो रहा है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, यह एक कथन है। फिर मैं कल लखनऊ गया था, ये भी एक कथन है। तीसरा वाक्य है छात्राएं नृत्य करती हैं, ये भी एक कथन है। यहाँ इसके अलावा भी अनेक वाक्य हैं, जैसे कि जनता ने नेताजी का स्वागत किया, जनता ने नेताजी का स्वागत किया, रेखा अध्यापिका है, छात्राएं नृत्य करती हैं, ये सारे जो है सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आएंगे, ये सारे जो है विधानवाचक कहे जाएंगे। अब वाक्य के जो दूसरे भेद है, उस वाक्य का जो दूसरा भेद है उसके बारे में हम जानते हैं। इस दूसरे भेद का नाम है नकारात्मक वाक्य। वाक्य का जो दूसरा भेद है उसका नाम है नकारात्मक वाक्य, इसे निषेधवाचक वाक्य भी कहा जाता है। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का या न होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिन वाक्य में किसी बात का निषेध हो, किसी बात के न होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे सामान्य रूप से हिंदी में सकारात्मक वाक्य में नहीं या न या मत हम जोड़ देते हैं तो वो नकारात्मक वाक्य हो जाता है। हिंदी का यही नियम है कि साधारण रूप से यदि हम न, नहीं या मत शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को फिर से लिख देते हैं तो वह जो है या बोलते हैं तो वह नकारात्मक वाक्य हो जाता है। जैसे कि आपका एक उदाहरण है यहाँ पे, देखिए खेलने मत जाओ, यहाँ मत शब्द जो है वो निषेधवाचक वाक्य को का बोध कराता है। मत शब्द जो है इसका प्रयोग करने से यह जो वाक्य है खेलने जाओ, यदि हम बोलते तो खेलने जाओ को अगर हमने मत लगा दिया तो ये निषेध सूचक वाक्य हो गया, इसमें किसी वाक्य बात के न होने का बोध हो रहा है। इसी तरह से तुम स्कूल जाओ, दूसरा वाक्य मैं आज नहीं लिखूंगा, अब इसको अगर बनाते हैं कि मैं आज लिखूंगा, अब इसमें तो ये सकारात्मक हो जाता, लेकिन अब इसी में नहीं हमने जोड़ दिया कि मैं आज नहीं लिखूंगा तो ये हो जाएगा निषेधवाचक या नकारात्मक। इसी तरह से कहते हैं कि तुम स्कूल जाओ, तुम स्कूल जाओ, इसमें अगर नहीं लगा देते हैं, मत लगा देते हैं यदि, कि तुम स्कूल मत जाओ तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, तुम स्कूल मत जाओ। मैं आज पढ़ूंगा, इसमें अगर नहीं लगा देंगे तो हो जाएगा मैं आज नहीं पढ़ूंगा। आज हिंदी के शिक्षक ने
कक्षा में पढ़ाई नहीं कराई। आज हिंदी के शिक्षक ने कक्षा में कक्षा कार्य नहीं कराया। अगर इस वाक्य में नहीं कक्षा कार्य कराया अगर करते तो सकारात्मक होता, लेकिन इसमें नहीं शब्द का हमने जो प्रयोग किया उससे जो है ये वाक्य नकारात्मक बन गया। हिंदी में नकारात्मक वाक्य अन्य तरीके से भी बनाए जाते हैं। कुछ अन्य तरीके भी हैं जिनसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे आप देखिए कि अब वह कहाँ मिलेगा, अब वह कहाँ मिलेगा, ये वाक्य जो है इसमें नकारात्मक का भाव बोध, नकारात्मक के भाव का बोध होता है। कहाँ मिलेगा यानी कि अब नहीं मिलेगा। एक और वाक्य है कि जैसे मैं तो अब यह काम करने से रहा, मैं तो अब यह काम करने से रहा, इसमें भी देखिए काम न करने का बोध हो रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नकारात्मकता का बोध कराने के लिए दूसरे तरीके को भी हम हिंदी में अपनाते हैं। एक और उदाहरण देखिए, अब तुम मुझे क्यों पूछोगे, अब तुम मुझे क्यों पूछोगे, इस वाक्य में भी ये भाव निकल रहा है कि अब तुम मुझे नहीं पूछोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि न, मत या नहीं लगाने के अलावा भी कुछ तरीके हैं जिनसे हम वाक्य को सकारात्मक से नकारात्मक रूप दे देते हैं। अब हम तीसरा भेद जानेंगे। तीसरे भेद का नाम है आज्ञार्थक या आज्ञा सूचक वाक्य। तीसरे वाक्य का भेद है, तीसरे वाक्य का नाम है आज्ञार्थक वाक्य। अब आज्ञार्थक वाक्य के बारे में जानते हैं कि आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना अथवा विनय आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना अथवा विनय आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कृपया पत्रोत्तर शीघ्र देना, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र देना, इसमें जो है निवेदन का भाव है, प्रार्थना का भाव है। दूसरा वाक्य है अपना अपना काम करो, अपना अपना काम करो, इसमें आपने देखा कि निर्देश देने का भाव निकल रहा है। अगला वाक्य है निकल जाओ कक्षा से बाहर, निकल जाओ कक्षा से बाहर, ये भी निर्देश का भाव दे रहा है। अगला वाक्य है कल तक वह अवश्य आ जाना, कल तक अवश्य आ जाना, यहाँ पे भी निर्देश का भाव है। आप खामोश रहिए, ये भी आज्ञा दी जा रही, इसमें भी आज्ञा दी जा रही है। कृपया आप बाहर बैठे, कृपया आप बाहर बैठे, ये वाक्य भी एक निर्देश का सूचक अर्थ दे रहा है। इस प्रकार से आपने देखा कि आज्ञार्थक वाक्य किस तरह से की आज्ञार्थक वाक्य की रचना होती है। इस प्रकार आज आपने तीन भेदों के बारे में जाना। सबसे पहले आपने वाक्य के बारे में जाना कि वाक्य किसे कहते हैं। दूसरा जो है वाक्य के घटक के बारे में आपने जाना। वाक्य के मुख्य दो घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसमें कर्ता का बोध होता है, कर्ता का विस्तार रहता है, और विधेय जिसमें कि विधेय जिसमें कर्म और क्रिया आदि होती है उसे बोलते हैं विधेय। तो दो घटक हो गए कर्ता और उद्देश्य और विधेय। इसके बाद आपने वाक्य के भेद के अंतर्गत जाना कि वाक्य के भेद के मुख्य दो आधार हैं। सबसे पहला आधार है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो आज हम लोगों ने वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं उनके बारे में जाना। सबसे पहला भेद आपने जाना विधानवाचक वाक्य का, विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। पहला भेद आपने जाना विधानवाचक वाक्य का, जिसके अंतर्गत सकारात्मक
बोध कराने, सकारात्मकता बोध कराने वाले कथन होते हैं। दूसरा भेद आपने जाना नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य का। तीसरा भेद आपने जाना आज्ञार्थक वाक्य का। और चौथा भेद आपने जाना प्रश्नवाचक का। अब प्रश्नवाचक जो है आपका चौथा भेद है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्नवाचक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब आपको किसी भी जिन वाक्यों से किसी से प्रश्न किया जाए या प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों से प्रश्न किया जाए, अर्थात किन्हीं से किसी से कोई बात पूछी जाए, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे, तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा वाक्य है, वह पढ़ने कब आएगा। इसके बाद जो है एक उदाहरण है, तुम पढ़ोगे। और सभी के बाद जो है एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है। ये चिन्ह अवश्य लगेगा, इस चिन्ह को अवश्य लगाना है। तुम पढ़ोगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि तुम पढ़ोगे, और पढ़ोगे लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये अवश्य लगाना है। सभी प्रश्नवाचक वाक्य में ये चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला जो आपको वाक्य बताएंगे वह है इच्छावाचक वाक्य। अगला वाक्य है इच्छावाचक वाक्य। अब तक आपने चार भेदों के बारे में जाना। चारों भेदों में मुख्य रूप से विधानवाचक यानी कि सकारात्मक, दूसरा निषेधवाचक, पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक और चौथा प्रश्नवाचक। इन चार भेदों के बारे में अब तक आपने जाना। अब आपको अगला वाक्य बताने जा रहे हैं कि इच्छावाचक वाक्य क्या होता है। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा, आशा अथवा आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा या आशीर्वाद व्यक्त किया जाए, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए अथवा दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा का भाव व्यक्त करता है। इच्छा को प्रकट करता है, ऐसे वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आपकी यात्रा शुभ हो। ये वाक्य जो है, यहाँ देखिए, ये एक मंगल कामना की इच्छा है, आपकी यात्रा शुभ हो। इसी तरह से वाक्य है, आज तो कहीं से भोजन मिल जाए, ये भी एक इच्छा व्यक्त इससे हो रहा है। इसके बाद है, नव वर्ष मंगलमय हो, यहाँ भी इच्छा व्यक्त की जा रही है। दीपावली शुभ हो, ये वाक्य भी इच्छा सूचक वाक्य है। आज भगवान करे तुम कुशल पूर्वक रहो, भगवान करे तुम कुशल पूर्वक रहो, ईश्वर आपका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखे। इन सारे वाक्यों में वक्ता दूसरों के लिए मंगल कामना कर रहा है। कभी कभी अपने लिए भी हम कुछ बोलते हैं, उसमें जो है इच्छा सूचक का भाव, इच्छावाचक का भाव व्यक्त होता है। इन वाक्यों से आपको ये समझ में आया, जैसे कि मान लीजिए आपकी यात्रा शुभ हो, फिर ईश्वर करे कहीं भोजन मिल जाए, ये शुभ हो, भोजन मिल जाए, या तो भगवान करे सब कुछ ठीक हो, ये सारी जो बातें हैं, इन सभी बातों में एक इच्छा व्यक्त हो रही है। फिर नव वर्ष मंगल हो, मंगलमय हो, यहाँ भी एक इच्छा व्यक्त की जा रही है। ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो,
ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, इसमें भी एक इच्छा व्यक्त की जा रही है। दीपावली शुभ हो, इसमें भी एक इच्छा व्यक्त की जा रही है। तो अब तक आपने कितने भेदों को जाना? कुल मिलाकर कि सबसे पहला आपने विधानवाचक जाना, दूसरा आपने जाना नकारात्मक या निषेधवाचक, तीसरा आपने जाना आज्ञा सूचक वाक्य, चौथा आपने जाना वो प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य के बाद आपने जाना इच्छा सूचक वाक्य। अब हम अगला भेद इसके बारे में जानेंगे, जो भेद जानेंगे उसका नाम है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य वे वाक्य हैं जिसमें हम एक संदेह की भावना प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें संदेह की भावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि कहते हैं शायद वह सुधर जाए, शायद वह सुधर जाए, शायद आज वर्षा हो, शायद मैं बाहर चला जाऊं। इस तरह जो जहां पे एक संदेह की बात हो, संदेह का भाव व्यक्त हो, जिन वाक्यों से संदेह वक्ता प्रायः कोई संदेह व्यक्त करता हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि वह संभवतः कल आएगा, वह संभवतः कल आएगा, और अच्छा हो सकता है आज धूप हो, हो सकता है आज धूप हो, अब तक शेर नदी में पानी पीने आ चुका होता, अब तक शेर नदी में पानी पीने आ चुका होता। अब अगले भेद के बारे में हम कल जानेंगे। धन्यवाद।